कोई शरीफ के से शरीफ ते बुए ते जाए ते आके की ले आया तोहफे मेरे हस्ते वाके का ए मिट्टी को मुंह बना जाएगा यार तू मैं मिट्टी दे वजन दा समझे वो तोहफा भी कदे किसे मिट्टी दा देता है कायनात आदम आलम में एक खुश नसीब कौम है शिया बंदा जवारी तो हटे ते सक्का प्यो पूछे की ले खाके शिफा कट के आखे ना ए करबला दी मिट्टी थी नाराज नहीं होता खुश होता है क्योंकि वो दिल ले चाहता है जाहिर हजरत शब्बीर के क्या कहने हैं ये अगर खाक भी लाए तो शिफा लाए हुसैन अपनी मिट्टी विच भी शिफा रखी मिट्टी करबला तो टुरी तोड़े मुसल्ले दे के आ गई तुसी सजदा कीता मिट्टी ते उस करबला दी मिट्टी तो कीता तुसी एक के खुदा तुन 70 कबूल दा सवाब मिट्टी सिर्फ मुसल्ले तक नहीं रही मिट्टी तेरी कब्र च भी गई मुसल्ले ते आई तो सजदे दी जामिन बन गई कब्र च गई तो कब्र दी रात दी जामिन बन गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह तेरा छेवा इमाम आदा अल्लाह फरिश्ता बनाया ही नहीं जेड़ा इस मिट्टी वाले मुर्दे तो पूछे तो कौन है कहां से आया अली दी ताकत है कि मेरे मौला मिट्टी ने इतना महंगा किया है कि मिट्टी सोने तो महंगी हो गई ये मिट्टी करबला दी सोने तो महंगी की थी हुसैन मिट्टी है हुसैन इब्न अली जड़ी कर तुसी अपनी मिट्टियां है एक आलम रब्बानी का जुमला याद आ गया ना दुनिया दी जिस शहर दी जैसी मुतबर्रिक मिट्टी क्यों नहीं उस कुछ भी बीजो जो बीजोगे वही आएगा अनाज आएगा या फल आएगा फ्रूट आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा वो फरमा रहे करबला दी मिट्टी के क्या कहने कहीं से हबीब आता है कहीं से जुरैर आता है कहीं से जुहैर आता है क्योंकि इस मिट्टी की आबयारी करने वाले का नाम अबुल फजल अब्बास है कहती है कि एक बंदा बहुत अपने जमाने का ना बड़ा बड़ा जा गुनागार फौत हो गया बड़ा फासिक फाजर बकायदा कर रिवायत लफ्ज फास उसको फजूर करने वाला फौत हो गया ओदे गुनाहां दा तुसी अंदाजा लाओ वे मल्ले वाले बैठे तो उन्हें आख्या भाई गुनाहगार बड़ा वड्डा है ते इनू को ऐसे बादशाह दे नेड़े नेड़े दफनाइए वे जेड़ा दी बख्शिश दा समान हो जाए उन्हें आख्या भाई इंज करिए फिर नजफ लै जाइए वाली है नजफ को ते मौला दे हरम दे गुसजे खबे दफना दिए हुण अंदाजा लाओ बे केडा वड्डा गुनाहगार आई जे सली कातिल नु शरबत पिलाया है ओ जनाजा लाए के टुरे ते अमीर अल मोमिनीन अपने रोजे दे मजावत दी ख्वाब विच आके आख्या बे जनाजा लाए के टुर पए फलां बस्ती चो ऐ आता पता है ऐस रंग दे बंदे ऐ जनाजा है जिन्हें किसी वास्ते कदे बूहे बंद नहीं कीते अमीर अल मोमिनीन फरमाया ओनू मेरी जरिए च ना आण दई बड़ा वड्डा गुनाहगार है बूहे बंद हुण मेरा तुहाडे अगे सवाल है जे अली दे बूहे ते अगर दरवाजा बंद हो जाए तो फिर रह के जांदी है पीछे हजरत अमीर अल मोमिनीन दा अगर दरवाजा बंद हो गया किसी वास्ते तो जरा इस गल नूं सोचो ना फिर पीछे बचदी केड़ी चीज चलो मैं आसान कर देना जब अल्लाह का दरवाजा ही दरवाजा बंद कर लेगा तो पीछे की रह जाए बस इसी तरह शाम हो गई मौला फरमाया शाम नु आ जाते इसी तरह शाम हो गई रात हो गई जायरीन गुजरते रहे आंदे रहे वो जड़े मजावर हैं वो इसे इंतजार च रहे पे हुणे 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 लेकिन जनाजा नहीं आया अगली सुबह शाम होने लगी फिर मौला मजावर दे मजावर ने देखी थी ख्वाब विच अमीर अल मोमिनीन फरमाया वो कल एक जनाजे आना आई ते तन में डके आई वो ओ इदे ना आवे तो रात गुजर गई और रात नहीं आए हुन जरा असूल ते उना वास्ते कानून ते उस वास्ते थोड़ी जी नरमी हो गई है वो जनाजा आवे तो कुल्लुहुम तुसी सारे जितने मजावर हो फुल्लां दीआं पत्तियां चाल लेना जनाजे दा इस्तकबाल करना गुस्लो कफन खुद करना तजहीज़ो तदफीन खुद करना और मेरे हरम दी हदूद विच दफनाना ताकि मेरा रहमो करम उस ते पै जाए उसका मालिक मैं पूछ सकदा
एक रात च उस मोयोए दे नसीब किवें बदले, कल इत्थे आणना दे रहे, अज तुसी फरमाया जाके इस्तकबाल करो। अमीर अल मोमिनीन फरमाया वो आ रहे थे, रास्ते में मौसम खराब हुआ, उन्होंने हदूद करबला में जनाजा रख दिया, आंधी चली और हवा से मट्टी का एक जर्रा उसके बालों में जा फंसा। उस एक जर्रे की बरकत यह है, खुदा ने इतने बड़े गुनहगार को माफ कर दिया।